अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे अमरीकी और जनूबी कोरियन कंपनियों एप्पल और सैमसंग को सख्त चैलेंज दे रही है। अब इसने एक और ऐसा शानदार ऐलान कर दिया है जो सुनकर सार्फिन की खुशी की इंतहा ना रहे जी, और इन मुसावती कंपनियों को शायद एक और झटका लगेगा। मेल ऑनलाइन के मुताबिक हुआवे ने एक 5G फ़ोन मुतारफ़ करवाने का ऐलान किया है और ये दुनिया का सस्ता तरीन 5G फ़ोन होगा। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इस फ़ोन की कीमत तकरीबन 45,500 रुपये होगी। हुआवे के शोबा मार्केटिंग के सरबराह पीटर साउ ने यह ऐलान फिनंशियल टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए किया है। पीटर साउ का कहना था कि अगले साल लोग मार्केट में एक ऐसा 5G स्मार्टफोन देखेंगे जो मुमकिना तौर पर सिर्फ $300 का होगा। ये हुआवे कंपनी के 5G स्मार्टफोन की अगली जनरेशन होगी। वाजह रहे जे इस वजह सैमसंग 5G फ़ोन मुतारफ़ करवा चुकी है। ताहम सैमसंग के 5G स्मार्टफोन की कीमत तकरीबन 1,74,000 रुपये से शुरू होती है। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।